तो अभी आप देख रहे थे किस तरह से जो नॉमिनेशन खत्म हो गया है और जहां पर अर्जुन मुंडा अपनी बात रख रहे थे, वहीं आपको बता दें आज जो है नॉमिनेशन खत्म हुआ है। अर्जुन मुंडा ने नॉमिनेशन कर दिया, कालीचरण जी ने नॉमिनेशन कर दिया और चाईबासा से सिंहभूम से लोकसभा से जोबा मांझी ने भी आज अपना नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया है। खूंटी से अर्जुन मुंडा जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने आज नॉमिनेशन किया है। कालीचरण जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी आज अपना नॉमिनेशन कर दिया है। ऐसे में नॉमिनेशन तो कर दिया गया है, लेकिन जो तमाम तरह के अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो इस बार इंडी गठबंधन कह रही है कि 14 की 14 सीट जो है इस बार इंडी गठबंधन लेकर जाएगी, उसमें कितना दम है, या फिर जो बीजेपी कह रही है कि इस बार 14 की 14 सीट जो दो छूट गई थी वो दो सीट भी अब बीजेपी ही लेकर जाएगी, यानी कि 14 सीट जो है बीजेपी जीत कर जाएगी झारखंड में, उनके दावों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अवनेश कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। अवनेश कुमार सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। अवनेश कुमार सिंह जी, सवाल यह है कि भाई तमाम तरह के अभी आपने देखा नॉमिनेशन हो गया है, अब सवाल कई उठ रहे हैं, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई 14 की 14 सीट आखिर जीत कौन रहा है? बीजेपी अपना दम भर रही है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन अपना दम भर रही है। देखिए, व्यवहार के धरातल पर तो हम जीत रहे हैं, इसमें नो डाउट। जब 12 सीट हमारे पास है तो इंडी गठबंधन वाले ये महाठगबंधन आखिर कैसे दावा कर रहे हैं कि हम 14 का 14 जीत लेंगे? ये तो बड़ा हास्यास्पद है और मानसिक दिवालियापन भी झलकता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है, पूरे देश के लिए तो कर रही, झारखंड के लिए जो विशेष भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज माननीय राजनाथ सिंह जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मंत्री खूंटी नॉमिनेशन में आए हुए थे अर्जुन मुंडा जी के, वहां पर जब उन्होंने अपने उद्बोधन में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यों का जिक्र किया, उपस्थित जन समुदाय गदगद हो गए। किस तरीके से उस महान नेता ने झारखंड का निर्माण किया, आज झारखंड प्रदेश स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों का झारखंड है। कोई सोरेन परिवार की कृपा से नहीं और लालू यादव की कृपा से नहीं बना झारखंड। पहले प्रधानमंत्री देश के हुए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने आदिवासी मंत्रालय बनाया, इन सब बातों को जब उन्होंने रखा है वहां, वहां की जनता अंदर से प्रफुल्लित थी, गर्व की अनुभूति कर रही थी कि झारखंड प्रदेश खूंटी की धरती, भगवान बिरसा मुंडा की धरती, आज वास्तव में वहां के लोग गर्व की अनुभूति कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को लेकर कि भाजपा ने वास्तव में झारखंड के लिए कुछ किया है। आज अगर विकास के कार्यों का भी अवलोकन आप करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो झारखंड में चहुमुखी जो विकास दिख रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में हुआ है, आप उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ कमल ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल ठाकुर जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कमल ठाकुर जी, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। कमल ठाकुर जी, देखिए चहुमुखी जो विकास हुआ है, जो बीजेपी के प्रवक्ता अविनेश जी कह रहे हैं वो बीजेपी के शासनकाल में हुआ है, ऐसे में आज नॉमिनेशन हो गया है, कालीचरण जी ने भी नॉमिनेशन कर दिया है, जोबा मांझी ने भी नॉमिनेशन कर दिया है, लेकिन बात की जाए अगर हम सिंहभूम की बात कर ले तो वहाँ सिंहभूम में कहा जा रहा है कि भाई जोबा मांझी को वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकती है। देखिए ऐसा है ना जी, जी कि चहुमुखी विकास जो है हमको नहीं लगता है कि 10 वर्ष में जन्म लिया। आप चहुमुखी विकास का पहला इनका लाइन था 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, डॉलर रुपया बराबर कर देंगे। देखिए ये लोग जुमलेबाज हैं, उनके जो सबसे बड़े लीडर हैं देश के प्रधानमंत्री वो भी जुमला बोलते हैं और इनके प्रवक्ता उसी चीज को सीख के आके यहाँ डिबेट में घूमते हैं। ये लोग केवल जुमला फेंकेंगे। आप देश का विकास के बारे में जो ये बात करते हैं, देश विकास करता तो 80 करोड़ जनसंख्या को 5 किलो चावल के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। ये इनका विकास है। रही बात कालीचरण मुंडा जी का नॉमिनेशन का, तो आपके आपके संवाददाता वहाँ गए थे जी, जी। कालीचरण मुंडा जी का नॉमिनेशन कराने वाले लोगों का जो सभा हुआ, मैं अपने आंखों से देख के आया,
और देश के रक्षा मंत्री अर्जुन मुंडा जी के दोनों के मतदाताओं में, दोनों के जनता आने में जमीन आसमान का अंतर था। ये लोग कितना तरह का बात बोलना है बोल रहे, ये चुनाव हार चुके हैं, हारे हुए लोग इस तरह का भाषा, चौमुखी विकास दुनिया, आप विकास का एक पैमाना बता दीजिए, पांच साल रघुवर दास सरकार रहा है राज्य में, एक रोड आप नहीं बना पाए, लेकिन हेमंत सोरेन ने आते ही रांची राजधानी में 3 फ्लाई ओवर का निर्माण चालू हो गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि केंद्र सरकार का उसमें कुछ पैसा नहीं लगा, लेकिन नियत मेरी अच्छी है। अगर केंद्र सरकार और मदद करता, मेरा जीएसटी दे देता, मेरा कोल का मेरा रॉयल्टी दे देता, मैं इससे भी अधिक यहाँ अच्छा व्यवस्था करके दे देता झारखंड को, लेकिन ये लोग सौतेला व्यवहार भी तो करते हैं। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। सरकार जहाँ इनकी सरकार है वहाँ ये फंड देते हैं, जहाँ इनकी सरकार नहीं है उस सरकार को सताने लगते हैं। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में मुख्यमंत्रियों की बैठक कराएं। ठीक है, जवाब भी ले लेते कमल ठाकुर जी। अविनेश जी देखिए, भाई कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप लोग सौतेला व्यवहार करते हैं, जहाँ जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ तो खूब पैसा देते हैं, जहाँ सरकार नहीं वहाँ सौतेला व्यवहार करते हैं। और आज देखिए कह रहे हैं कालीचरण मुंडा जी के जब आज नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो हुजूम वहाँ पर था। अच्छा, जोबा मांझी जी जब आज वो करने गई नॉमिनेशन तो वहाँ पर कल्पना सोरेन मौजूद थी और CM खुद मौजूद थे और भी कई नेता मौजूद थे। अविनेश जी देखिए, इनके जो आरोप हैं बेबुनियाद हैं, उनमें कोई दम नहीं है। जनता देख रही है कि कौन सा दल काम लगातार कर रहा है, ये किसी से छुपा हुआ बात नहीं है, ये आंख फाड़ के देखने का चीज है। अब कोई काला चश्मा लगाकर देखेगा तो उसको हर चीज काला ही नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात मानववाद पर काम करने वाला दल है। हमारी विचारधारा अंत्योदय की है, अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे हो। अब इन्होंने कहा कि 80 करोड़ को अनाज दे रहे हैं, अरे आपने तो कभी दिया ही नहीं, हम तो वो भी दे रहे हैं। 55 करोड़ लोगों का हमने आयुष्मान कार्ड दिया है, आपने कभी दिया क्या, कभी विजन रहा क्या, कोई सही दिशा स्पष्ट नीति रहा क्या कांग्रेस पार्टी के पास। केंद्र में तो 55 साल से भी ज्यादा शासन में आप रह चुके हैं। आज लगातार जो काम हो रहा है हर सेक्टर में, कोई एक सेक्टर की बात नहीं है, आप गिन सकते हैं, देश का कोना कोना आज जाकर देखने का है कि विकास हुआ है कि नहीं। ये हम नहीं कर रहे हैं तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब गाथा गा रहा है। रोड का हो, हवाई मार्ग का हो, रेल मार्ग का हो, देश की आंतरिक सुरक्षा हो, देश की बाह्य सुरक्षा हो, कहां काम नहीं हुआ है। आरोप लगाना बहुत आसान है। अब रही बात झारखंड के संदर्भ में, ये बोल रहे हैं ये फ्लाई ओवर, अरे भाई झारखंड का जो दुर्गति 4 वर्षों तक हेमंत सोरेन जी ने किया है, आज ईश्वर की कृपा से वो जेल के अंदर है। उन पर जो आरोप लग रहे थे, आर्थिक आरोप, इतने गंभीर आर्थिक आरोपों से वो गिर गए और हम लोगों ने नहीं लगाया। विधानसभा के अंदर लोविन हेमरम ने एक बार नहीं, 3-3 बार हमला किया है हेमंत सोरेन पर कि लूट मची हुई है झारखंड में, खनिज संपदा को लूटा जा रहा है। सीता सोरेन जी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि झारखंड को लूटने से बचाइए। ये इनके विधायक थे, आरोप हम पर लगाते हैं। तो झारखंड जिस आर्थिक कुचक्र में फंस गया था, यहां की नौकरशाही भ्रष्टाचार में गोता लगा रही थी क्योंकि नेता भ्रष्ट हो गए थे, ऊपर से ही पूरी भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही थी, उसका परिणाम झारखंड झेल रहा था। आज IAS अफसर तक जेल के अंदर बैठे हुए हैं। यह दुर्गति भी झारखंड देखने के लिए आज पड़ा हुआ था। कितना चिंताजनक स्थिति है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हरण और क्षरण इनके शासन में जितना हुआ है, झारखंड ने जो दुर्गति झेला है, हम लोगों को लज्जा आती है। एक मुख्यमंत्री ने कोई विकास का काम नहीं, कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र इन्होंने नहीं दिया। बगल का राज्य उड़ीसा है, कहां कोई मद रोका गया उसका, केंद्र से जितना मद, जितना राशि, जितना बजट मांगा उन्होंने मिला हमेशा। आंध्र प्रदेश को जितना मांगा उतना मिला। अरे भाई, आप कोई विकास का ब्लूप्रिंट दोगे तब तो, विकास का कोई ब्लूप्रिंट रखना होगा आपको, जो पैसा मिलेगा उसका एक उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र को देना होगा। यह सिस्टम है, देश और राज्य कानून से चलता है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, अरे अच्छा एक चीज और भी है। अब आज हम थोड़ा बात करेंगे खूंटी में, चूंकि अभी वहां पर नॉमिनेशन हुए हैं। खूंटी में बात करें, एक बार कालीचरण जब हारे थे तो ज्यादा वोटों से नहीं हारे थे, सिर्फ 1400 वोटों से हारे थे। तो इस बार लग रहा है कि चुनौती बड़ी कड़ी होगी इस बार अर्जुन मुंडा जी के लिए।
अवनीश जी, देखिए राजनीति तो चुनौती का क्षेत्र ही है। राजनीति में अगर बिल्कुल आसान मैदान हो तो फिर राजनीति राजनीति क्या। और राजनीति में हमेशा रणनीति से राजनीति में जीता भी जाता है, जिसकी रणनीति अच्छी रही वो जीत जाते हैं। अर्जुन मुंडा जी मोदी जी के कैबिनेट में सम्मानित मंत्री हैं, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। आज राजनाथ सिंह ने वहां सभा में बोला कि ये पहली सरकार है मोदी जी की जिसमें सीधे 6 गुना बजट बढ़ा जनजातीय बंधुओं के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए। ट्राइबल मिनिस्ट्री ने लगातार इतनी योजनाओं को धरातल पर उतारा है, एकलव्य विद्यालय से लेकर और कई योजनाओं को। आज उससे जनजातीय समुदाय के बच्चों का कल्याण हो रहा, उनका शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ रहा, उनमें चेतना जग रही है, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। तो जो काम आज मोदी जी के द्वारा जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर लाई गई, उसका एक बीच में सेतु का काम अर्जुन मुंडा ने भी किया है, तो उसका भी लाभ अर्जुन मुंडा जी को चुनाव में मिलेगा और स्वाभाविक रूप से जनता उनको आशीर्वाद देगी, क्योंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जन जन का आशीर्वाद मिलने वाला है। कमल ठाकुर जी, देखिए इनका विकास, इनका इनका विकास के बारे में झारखंड में जब देखना है ना और देश में, तो आपके पड़ोस में ही एटीसी का एक कारखाना है, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, जिसको नेहरू जी ने बनाया था। इसलिए बनाया गया था कि ये देश में मदर प्लांट के रूप में इसको विकसित किया गया था कि देश में ये रोजगार पैदा करेगी। आज वहां के इम्प्लाई पिछले 23 महीना से विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं। इनका विकास ये है, मजदूरों के लिए इनका विकास ये है। इनका विकास का पैमाना ये है, आप जान लीजिए, यहाँ बगल में है ना ही। इनके प्रधानमंत्री 5 बार प्रभात तारा मैदान में आ गए हैं, लेकिन एचईसी का एच नहीं बोले हैं, क्योंकि उनको ना मजदूर से लेना है ना किसान से। अब देख लीजिए, किसान जब दिल्ली आते हैं तो उनके रास्ते रास्ते में कील गाड़ देते हैं ये। अगर मनरेगा नहीं होता तो कोरोना काल में इससे भी अधिक त्रासदी आपको देखने की मिलती। ये सोच है कांग्रेस का कि जिसने मनरेगा जैसा योजना लाया, जो सूचना का अधिकार लाया, जो फूड गारंटी बिल लाया, शिक्षा का अधिकार, ये तो जुमले का केवल एक लाए है, जुमला चलते रहेगा। और ये पूरा 5 साल 10 साल बीत गया है, लेकिन जनता इस बार इनको समझा दी है कि साउथ में 60 और नॉर्थ में हाफ, इनका इतना ही मिलना है। और आज जो भी प्रवक्ता बड़े भाई बैठे होंगे उनको ये बात बता दीजिएगा, 4 तारीख को फिर बायोस्कोप में हम लोग को बुला लीजिएगा, साउथ में 60 और नॉर्थ में हाफ, इनकी यही स्थिति बची हुई है। हंस रहे अभिनेश जी भाई कह रहे साउथ में 60 और नॉर्थ में हाफ हो जाएंगे आप लोग इस बार। और उन्होंने देखिए एचईसी की बात कोई क्यों नहीं करता है, अभी कर रहे हैं कमल ठाकुर जी, लेकिन आप लोग क्यों नहीं करते हैं, एचईसी की भी तो बात करनी चाहिए। हम लोग गए थे ग्राउंड जीरो पर, कई लोगों ने एचईसी का मुद्दा उठाया था। अभिनेश जी देखिए एचईसी का मुद्दा बहुत ही पुराना है, इसके बुनियाद को उसी समय हिल गई थी जब सुबोध कांत सहाय जी लगातार यहाँ से कैबिनेट के मिनिस्टर रहे। बहुत कुछ तो उनको उस समय करना चाहिए था, 10 वर्ष वो भी रहे, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। और रही बात अभी के कालखंड में, तो यहाँ के स्थानीय सांसद ने अपनी ओर से भरपूर प्रयास किया है। एचईसी इन्होंने कहा कि मदर प्लांट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रशियन मॉडल का यह विश्व स्तरीय प्लांट है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन एचईसी का पुनरुद्धार कोई सामान्य बात नहीं है, एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। और ये होगा भी तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही कुछ उसका रास्ता निकलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ही सही दिशा और स्पष्ट नीति भी है। अब ये भाई साहब जो आरोप लगा ले एचईसी को लेकर, लेकिन एचईसी का कल्याण जब भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी के ही शासन में होगा, क्योंकि 55 साल तक इनके शासन कब तक होगा, ये कब तक होगा। अब तो अगली सरकार आएगी, यहाँ के सांसद महोदय ने उस पर काम किया है, वो एक दिन वो बता रहे थे, तो अगली सरकार आएगी तो कुछ उसका रास्ता अवश्य अस्थाई निकलने वाला है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बार बार यही चीज होता है कि सरकार आएगी तब अस्थाई व्यवस्था निकलेगा, सरकार अभी आपकी थी तो, अभी ऐसा तो नहीं है सरकार नहीं थी आपकी, एचईसी का मुद्दा तो अभी तो है नहीं, आप भी कह रहे हैं पुराना मुद्दा है, तो ऐसे में इसका तो हला भला तो आप ही के सरकार में, आप कह रहे हैं हमारे सरकार में होगा, तो आप ही के सरकार में हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता ना अभिनेश जी। नहीं बिल्कुल, मैंने कहा ना कि
यहाँ के स्थानीय सांसद उस पर लगातार प्रयास किया है उन्होंने। क्या प्रयास किया ये भी तो जनता जानना चाह रही ना। वो सब है उनके पास, वो एक मोटी फाइल बनाकर बैठे हुए हैं। मैंने उनसे एक दिन चर्चा किया था, वो बेचारे बोले कि अवनेश जी मैं लगातार इस पर प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि इतना बड़ा कार्य है HEC का पुनरुद्धार का, कोई सामान्य काम नहीं है, मदर प्लांट है वो, उसके जितने भी कल पुर्जे हैं इतने पुराने पुराने और बड़े बड़े कल पुर्जे हैं कि उसका पूरा पुनरुद्धार रिकंस्ट्रक्शन करने में एक बड़ी कार्य योजना को वहां लागू करना होगा। तो ठीक है, लेकिन एक चीज और भी है, तो आप ये बताइए कि अगर HEC का मुद्दा उठा इस बार और जैसे अभी कांग्रेस उठा रही है, तो फिर जनता को क्या जवाब देंगे कि नहीं हमने मोटी फाइल बनाकर रखी है? और कोई मुद्दा तो है नहीं। हाँ, कांग्रेस झारखंड में हेमंत सोरेन जी की मेजर पार्ट है। पूरे झारखंड के संदर्भ में अगर देखेंगे तो जो झारखंड का हालात 4 वर्षों में हुआ है, और अभी चंपई सोरेन जी बार बार बोलते हैं कि मैं हेमंत सरकार पार्ट 2 हूं, तो ये भी थोड़ा चिंताजनक स्थिति है। तो पहले यहाँ की जनता ने इनको चुनकर पूरे राज्य के विकास के लिए जो भेजा है, जो बुनियादी काम के लिए है, उस पर थोड़ा काम करना चाहिए, जिसमें ये लोग बिल्कुल फिसड्डी साबित हुए हैं। अच्छा, कमल ठाकुर जी आज एक तस्वीर देखी गई जब जोवा मांझी का भाई नॉमिनेशन हो रहा था, CM चंपई सोरेन के कल्पना सोरेन भी पहुंची हुई थी, तो क्या समझा जाए कल्पना सोरेन अब पूर्ण रूप से अब राजनीति में उन्होंने कदम रख दिया है, अब मतलब कि अब जो उनका दर्जा है पार्टी के अंदर काफी अब ऊंचा होने वाला है। वो राजनीतिक परिवार से आती है तो राजनीति में आना तो अच्छी बात है ना। अगर कोई महिला अपना घर का दहलीज पार कर रही है, रोज हम लोग इस बात को उठाते हैं कि 50% आबादी को हमको सक्षम बनाना है, तो जब महिला कोई आ रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और कल्पना सुरेन जी पढ़ी लिखी महिला है, उनका स्वागत है। वही महिला BJP के ताबूत में आखिरी कील ठोकेगी, क्योंकि जब महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ जब होने लगता है ना, तो वो दुर्गा का रूप होती है, और वो दुर्गा जो है ना ये राक्षसी रूप के लोगों को का संहार जरूर करेगी, ये तो तय बात है। तो फिर BJP कहती है परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसी तरह तो परिवारवाद आगे बढ़ता है। अरे देखिए, यही बात को मैं अगर पूछ लूं सर आपसे कि जैसा कभी गुल्ली डंडा खेले हैं क्या? जैसा गुल्ली डंडा कभी खेले हैं? क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव है, ये परिवारवाद है। जो आदमी अपने ताकत से अपने बल बुद्धि से आगे आता है उसका स्वागत है, और खासकर अगर किसी भी परिवार की महिला अगर आती है राजनीति में तो हम लोग जैसा महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग उसका स्वागत करते हैं। ये लोग तो उस दल से आते हैं जहां आज तक कोई महिला अध्यक्ष बन ही नहीं पाई। RSS का कभी संघ संचालक महिला, एक महिला को बता दिए जो RSS का कभी सदस्य भी बना हो। ये लोग महिला विरोधी हैं, और कोई महिला अगर दलहीज पार करके आएगी तो उस पर कई सवाल ये लोग खड़ा कर देंगे, लेकिन HEC के मुद्दे पर ये जवाब नहीं देंगे, क्योंकि HEC मुद्दा जन मुद्दा है। वो लोगों के जुड़ाव से 1 लाख से 1.5 लाख जनसंख्या उसे प्रभावित है इस क्षेत्र में। 10 साल से ये फाइल बना रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने जंतर मंतर पर HEC के मुद्दे पर एक धरना प्रदर्शन दिया, इंडिया गठबंधन के लोग। प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई उस पेपर को लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें डर है। और जान लीजिए, सब जगह घूम के आ जाएंगे संजय सेठ, लेकिन HEC में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। यहाँ का जनता, यहाँ का मजदूर इस बात के लिए भी तैयार है, क्योंकि आपने जो गड्ढा खोदा है इस देश के और ये क्षेत्र के लिए उसका भरपूर जवाब आपको मिलेगा। आप बात कीजिएगा आम का तो वो बात करेंगे इमली का, आप बात कीजिएगा कुछ और तो वो कुछ और बात। जो सच्चाई है कि आपने मजदूरों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, किसानों के साथ क्या किया, ये सवाल है। आप उनसे सवाल कीजिएगा कुछ और तो बात करेंगे कुछ और। ये लोग की आदत है, ये लोग भरमाने वाले लोग हैं, ये जादूगर हैं। जादूगर जैसे वो प्लास्टिक फेंक के बोलता है ना कि सांप आ गया सांप, ये जादूगर है लोग। तो अब इनकी जादूगरी बंद हो गई, जनता इनकी जादूगरी से पार पा ली है। इस बार इनको वो झटका मिलेगा ना 440 का, इनका 400 पार का नारा जो है ना 400 हार का नारा बन जाएगा। ठीक है, अविनेश जी जवाब दीजिए भाई।
देखिए भाई साहब ने जो महिलाओं के संदर्भ में कहा, बड़ा मुझे चिंताजनक स्थिति है। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार में उसी समय 14,000 की आंकड़ा पार कर गया था दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाएं जो इस सरकार में हुई। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा एक देख लीजिए अब खाका इससे। और मुझे लगता है कि ये इतनी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार थी। रूबा तिर्की का केस आप देख सकते हैं संथाल में, पहाड़िया का केस देख सकते हैं, संध्या टोपनो के साथ यहीं रांची के बगल में क्या हुआ, किस तरीके से पशु तस्करों ने चढ़ा दिया, जीप मार दिया। बस मतलब आदिवासी महिला पुलिस अफसरों के साथ ये हो रहा है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री का रहते हुए कान में जू तक नहीं रेंगा। मैं बता रहा हूँ कि 14,000 पार कर चुका है। महिलाओं की सम्मान की बात ये सरकार के लोग कर रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक है, दुखद है। दूसरी बात, यहाँ के नौजवान सीधा सीधी ठगे गए। एक भी नौजवानों के लिए ये सरकार के पास कोई कार्य योजना ब्लूप्रिंट नहीं है। किसानों की जहां तक बात है, किसानों का तो दम ही निकाल दिया। किसान स्वनिधि हम दे रहे 11.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने दिया। और महिलाओं के उत्थान की बात ये कर रहे हैं, महिलाओं को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 33 पर आरक्षण का बिल ला रही है, आने दीजिए सरकार, फिर देखिए अगली साल से महिलाओं का किस तरीके से राजनीति में एक नई तरीके से पुनर्जागरण होने जा रहा है। समय कम है हमारे पास, फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो देखिए अब जो है राजनीति जो जंग है वो शुरू हो चुकी है, अब इस जंग में किसकी जीत होती है किसकी पराजय होती है वे तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेश का सुबह से तय, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।